एक मर्तबा क्या हुआ सुना तो तुम्हारा मूड बनाने के वास्ते। एक मर्तबा जो एक वलीमे की दावत में गया, वलीमे की दावत में गए तो हुआ क्या, मैं शरीफ आदमी, लोग जो डाले वो खाता हूं, कभी डालने के नहीं खाता, अच्छा नहीं दिखता, जाके लोगों के पास खुद डाल लेके खाना अच्छा नहीं दिखता, डाले तो खा लिए, नहीं डाले गुड वेरी गुड। और कभी वो वलीमे की दावत में जो है सरकार आप चलिए बोले तो गया ही नहीं आज तक, कहीं को बोले तो हम बड़े लोगों की सोबत में रह सोए चिल्लरनामा करना नहीं आता, कई लोगों को देखा मैं एक टेबल अंदर चलते ही रहता है, जाके पहले से ठहर जाते वहां पे, अब प्लेट देना बाकी रहता हाथ में, बहुत खतरनाक रहती हालत। तो मेरे अल्लाह ही मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए, टेबलों के मरने से बचा ले अल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों मेरे हाल, तो वलीमे के टेबल पे बैठा हूं, बेचारे बच्चे पीछे ठहरे डाल रहे जो भी है मैं खा रहा हूं, मेरे सामने टेबल पे जो है शख्स बैठा हुआ है बाजू वाला, उन्हें मेरे को घूर घूर के देख रहा, मैं समझ गया इन्हें कहीं ना कहीं तो अपने को देखा हुआ है, नहीं घूर के देख रहा, और मेरे को सुन्निया उतना नहीं पहचानते, वहां भी जितना पहचानता, तुम लोग तो खाली हो आगे तो है, उन्हें पूरी तहकीक करके आता कहां के है क्या है कैसा है कौन है किसके साथ आए कौन बुलाए कहीं को बुलाए कितना नजराना ले रहे। दूसरे दिन फिर यूट्यूब पे चढ़ाता भी पूरे बाता बहरे हाल। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो अपने अरे मौलाना आप पीछे नहीं वो फेसबुक पे देखा था, हाँ यही है, अस्सलाम वालेकुम, और वाले खा भाई यहाँ कहीं कुतब कर रहा खाने का टेबल है, तू तेरा देख मैं मेरा देख, नफ्सा नफ्सी का आलम है, खा खा मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं किया अनजान मार दिया, बोले अपन खाओ भाई अपना खाना, फिर छेड़ रहा ना वो आदत रही लोग चुप छेड़ने की, फिर छेड़ा बस वाला, अरे मौलाना साहब एक सवाल करना है, अरे बोला अब ये खाने के टेबल पे कहीं के सवाल आ रहे भाई, मैं मौलाना साहब एक सवाल बोलिए क्या बात है। तो बोले मौलाना साहब वो आपके बयाना देखा मैं यूट्यूब पे, बड़े बड़े मजूबे होते हैं आप बयान करे तो लोग खड़े खड़े रह के नारे मारते, ये नारे कहीं को लगाते हैं पूछा, आप लोगों के जैसे रहते हो पुस्तक नहीं था, ठंडे लोग हैं पूरे यहाँ पे, अरे आप बीच नहीं थी पूरी बात हो मत लगा, ये मुसीबत है देखो बीच में शुरू हो जाते हैं, थोड़ा ठहरो वेट, पूरी बात हुए बात लगाओ बाबा, बगैर मतलब के लगा दिए तो जामोला लगाना सब सोचने शुरू हो जाएंगे, वो अलग मतलब टाइम पे लगाओ प्लीज। तो अब हुआ क्या, तो मेरे को पूछा मौलाना वो नारे कहीं को लगाते, तो मैं क्या बोलूं साहब, मैं क्या बुखारी खोल के बताऊं, नहीं किताब खोल के बताऊं, नहीं साहबा का तरीका बोल के उसके एक्सप्लेनेशन देते बैठू, तो जैसा सवाल वैसा जवाब, जैसी बोलिंग वैसी बैटिंग, तो अपन चैंपियन है ये मामले में। तो मैं बोला मियां देख, ये तेरे सामने ग्लास के अंदर ये काला कुछ ड्रिंक है, बोले वहां कोका कोला है, कोका कोला है बोला ना, हाँ मैं देख रहा हूं तू दो दो निवाले ले रहा, फिर ये एक कोक मार रहा, फिर दो दो निवाले ले रहा, फिर कोक मार रहा, ये क्या खिस्सा है, बोले मौलाना ये चिकनी गिजा है मसालेदार है, ये खाए तो यहाँ सीने पर अटक जाती, ये कोक पिए तो अंदर उतर जाती है, ओ बोला ऐसा है, अच्छा तो मैं बोला हमारा भी यही हिस्सा है, जब पूरे सुन्निया एक जगह जमा होते हैं तो शैतान भी घुस जाता, तो हम लोग क्या करते हैं उन्हें घुस के क्या करता, किसी को चाय पीने में लगा देता, किसी को खेलने में लगा देता, किसी को सुला देता, तो हम लोग क्या करते हैं नारा लगाते ताकि शैतान भाग जाए और हमारा काम हो जाए। Yeah, that's what I thought. Faizan-e-Amir Shah Wali. Zindabad.